अभी मैं आ गया हूँ खानसन रोड में और काफी फेमस रोड है ये। यहाँ पे क्लब, खाने पीने का फुल ऑन मस्ती है। सिक्योरिटी चेक था, सिक्योरिटी चेक के बाद इमिग्रेशन था, इमिग्रेशन के बाद ये सब आई रहा है, ड्यूटी फ्री था। और बीच में मेरे को ना ये भी दिखाई, ये चीज़ काफी यूनिक लगी मेरे को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार जैसे कि आखिरी दिन है तो क्यों ना थोड़ा बहुत इन्जॉय किया जाए रात को, और आपके साथ भी इन्जॉय करेंगे। और इसी ब्लॉग में आपको ये तो देखने के लिए मिलेगा नाइट लाइफ का थोड़ा बहुत सीन, और साथ ही साथ इसमें मैं बैंकॉक से इंडिया का भी आपको सारा बताऊँगा कि कैसे ट्रैवल करना है, और ट्रैवल करने के साथ साथ कि मतलब कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। तो एंड लास्ट ब्लॉग होगा ये, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी, थोड़ा फन भी होगा, और लास्ट में मैं आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि कैसा था और क्या क्या आपको चीज़ें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए चलते हैं, और मैंने ये यहीं से ली थी ये शर्ट, तो बस ये रेडी हो गया हूँ और चलते हैं, भपका करेंगे और फुल मज़े करेंगे। लेट्स गो। यार अभी मैं आ गया हूँ खानसन रोड में और काफ़ी फेमस रोड है ये। यहाँ पे क्लब, खाने पीने का फुल ऑन मस्ती है, तो आज नाइट एंजॉय करेंगे यहाँ पे। तो मैं भी शायद मैं अभी बोल ना पाऊँ ज़्यादा, तो आपको वॉइस ओवर करूँगा कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, तो नहीं तो आप मेरे साथ एंजॉय करें देखते हुए। तो लेट्स गो। भाई मज़ा आ गया क्लब रोड में, मतलब कि सारी नेशनैलिटी के लोग आते हैं यहाँ पे, फुलन मस्ती रहती है, आप किसी से भी बात करो, अपना एंजॉय करो, काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वैसे मेरे को क्लबिंग वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने करी है तो मतलब मज़ा आ गया मेरे को। अब नेक्स्ट ईयर अगर प्लान बनेगा तो ज़रूर दोस्तों के साथ आऊँगा और फुल इन्जॉय करूँगा, क्योंकि अकेले में यही रहता है भाई यार। और अभी बज रहे हैं रात के 12:30, तो ये सीन है। तो कोई नहीं, अभी चलते हैं होटल में, और खाना वगैरह मैंने यहाँ पे ये पैक करा लिया है, तो खाना भी थोड़ा बहुत खा लेंगे, थोड़ा पेट पूजा कर लेंगे, फिर काम दूजा करेंगे। तो लेट्स गो। द नेक्स्ट डे रेडी हो चुका हूँ मैं अब जाने के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर ही लिया था, और कैब भी मेरी आ गई है नीचे। तो सबसे पहले तो बाय बाय कर देते हैं इस रूम को और इस व्यू को भी, आप देख लीजिए लास्ट बार, फिर मौका मिले ना मिले। बाकी ये सामान वगैरह जो थोड़ा बहुत काम नहीं आया तो मैं रैप पे छोड़ रहा हूँ, बाकी ये कॉइन्स वगैरह जो हैं ये एक्सचेंज होते नहीं है, तो वो मैंने यहाँ रख दिए, क्योंकि कोई मतलब दुख बनेगा नहीं और ना ये होंगे, तो टेंशन लेने से बढ़िया है यहीं छोड़ दो। कैब आ गई है नीचे और सामान मेरा सब रेडी है, पूरा भर चुका है। तो मैं शॉपिंग वगैरह वाला सीन तो मैंने आपको पहले बता दिया था, तो उसी के चक्कर में, तो चलिए कोई नहीं, वो कर लेंगे मैनेज। लेट्स गो।
हाँ तो यार प्रोसेस मेरा सारा हो गया है यहाँ के लिए। क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा एक सिक्योरिटी चेक था, सिक्योरिटी चेक के बाद इमिग्रेशन था, इमिग्रेशन के बाद ये सब आई रहा, ड्यूटी फ्री था। और बीच में मेरे को ना ये भी दिखा, ये चीज़ काफ़ी यूनिक लगी मेरे को, ये जैसे कि वो नहीं था यार हमारे में, जैसे हिंदू में वो होता है कि समुद्र मंथन हुआ था, तो वैसा ही रेफरेंस मेरे को उसी टाइप का लग रहा था। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आपको पता है या नहीं पता। बाकी ड्यूटी फ्री भी है यहाँ पे, वो सब आ ही रहा है साइड में, और खाने पीने की दुकानें भी हैं, सब चीज़ें इधर। तो इमिग्रेशन भी हो गया था, सिक्योरिटी भी हो गया, कुछ चेक कुछ इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल रहता है। और ये देखो ये स्टैंप आपको दिख रही है ना, इसमें डेट भी लिखी होती है कब तक के लिए आपका वीज़ा वैलिड है, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। मान लो अगर आपने 10 तक के लिए फ्लाइट रखी है अपनी, 10 की आपकी रिटर्न है और आपको लगता है कि 4-5 दिन और रुकना है, तो आप इस वीज़ा की इसके स्टिकर के हिसाब से आप वो लगा सकते हैं कि कब तक आपका वीज़ा की अप्रूवल है। तो बस फिर तो अभी गेट पे बैठा हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ। कुछ खा पी भी लिया है मैंने अभी, तो खाया था, बढ़िया था, खाना वाना सब अच्छा था, थोड़ा पेट भर गया। और बस अभी उसके बाद फ़्लाइट आएगी, यहीं पे लगेगी वो फ़्लाइट E6 पे। और बाकी ये देखो साइड में 380 है ये कतर एयरवेज का। अभी चलते हैं, करते हैं ख़त्म यहाँ से, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट इंडिया जाके। इंडिया में फिर जो भी प्रोसेस रहेगा, क्या क्या है, कोविड का क्या सीन है, सो सब कुछ जाके मैं फिर आपको बताऊँगा। तो यार वापसी का सफ़र जो है मैंने शुरू कर दिया है, और बैंकॉक से दिल्ली यानी कि इंडिया का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो यार आपका इमिग्रेशन होता है, जिसमें कि आपका पासपोर्ट चेक होता है, उसमें स्टैम्प वगैरह चेक होती है। उसके बाद फिर आप ड्यूटी फ्री आते हैं, वहाँ पे आप चाहे तो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं लिकर्स की, क्योंकि आपको पता ही है काफ़ी सस्ती मिलती है। और उसके बाद अपना कस्टम वगैरह क्लियर किया और आप निकल गए बाहर, और ऐसे ही बाहर करते करते ही आप पहुँच जाते हैं अपने घर। तो यार काफ़ी बढ़िया ट्रिप थी मेरी ये बैंकॉक की, क्योंकि फर्स्ट सोलो ट्रिप थी मेरी। और लेकिन यार मुझे इतना मज़ा नहीं आया अगर मैं देखूं तो, जितना मैं ज़्यादा मज़े कर सकता था साथ में, अगर कोई फ्रेंड होते तो और मज़ा आता। लेकिन कोई नहीं, सोलो ट्रिप का भी अपना ही एक अलग बपका होता है। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया जगह मैं घुमा, काफ़ी बढ़िया बढ़िया मैंने व्लॉग्स बनाए, और काफ़ी लोगों को पसंद भी आए। और साथ ही साथ मैं काफ़ी अच्छा यूनिक लगा मेरे को बैंकॉक में घूमना भी। हालांकि बैंकॉक खाली बैंकॉक ही नहीं है, उसके अलावा पटाया भी होता है, और बहुत सारी आगे भी जगह हैं जो बैंकॉक में होती है, लेकिन उसके लिए आपको फिर अलग से फ़्लाइट्स वगैरह बुक करनी पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा था ये मेरा ट्रिप, और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम फिर से जाऊँ और साथ में अपने कज़न्स के साथ जाऊँ, ताकि और फुल ऑन फन कर सकें। तो ये था, अब वापस घर आ गए हैं और अपनी वापस वही लाइफ शुरू कर देंगे। बाकी यार अगर आपने यहाँ तक देख लिया है मेरी सीरीज़ बैंकॉक की, तो आपको आई होप अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।